तो चलिए मूली का पराठा किस तरह बनाते हैं आज मैं उसका वीडियो बताती हूँ। तो ये मूली को मैंने पहले से कद्दूकस करके रख लिया है। इसे क्या करना है, अच्छे से छील कर और इसे कद्दूकस कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कद्दूकस से, इस तरह मूली को कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस सभी के घरों में होता है। आप इसे चाहे तो स्टफिंग में भी बना सकते हैं और नहीं तो आटे के साथ गूंथकर भी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको कैसे गूंथकर आटे के साथ बनाते हैं और परफेक्ट बनेगा तो उस तरह बनाएंगे। आप चाहे तो इसे स्टफिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसे देखिए पानी बहुत छोड़ता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मूली में पानी बहुत छोड़ता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा निचोड़ लेंगे पानी को। अगर आप पानी के साथ बना देंगे ना तो ये पराठा है ना गीला गीला हो जाएगा और आपको बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसका पानी थोड़ा निकाल लेंगे। अब इसे दूसरे बर्तन में रख देते हैं और पानी को फेंक देंगे। तो आज मैं आपको दोनों तरीका बता देती हूँ, स्टफिंग वाला कैसे बनाएंगे, अगर आप आटा के साथ गूंथ के बनाना चाहते हैं वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले स्टफिंग के लिए इस तरह तैयार कर लेंगे। तो इसमें डाल देंगे अजवाइन और कलौंजी, लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर, ज्यादा नहीं डालना है, देखिए 2 पिंच हमने अमचूर पाउडर डाला है। अब क्या करना है, बिना नमक दिए हुए मिक्स कर लेंगे। नमक कब देंगे, जब आप पराठा बनाएंगे तब, अगर स्टफिंग करके बना रहे हैं तब। अब इसे बिना नमक दिए हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। तो ये स्टफिंग तैयार हो चुका है। जब आप पराठा जब बनाने जाएंगे तभी नमक डालिएगा, पहले मत डालिएगा नहीं तो पानी छोड़ देगा और जब आप पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा फट जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टफिंग, मैंने ये तरीका भी बता दिया। अब मुझे स्टफिंग वाला नहीं बनाना है, मैं आपके लिए बता दी हूँ कि इस तरह। अब इसमें कुछ करना नहीं है, अब हमें आटा डाल देना और गूंथ लेना है नॉर्मली जिस तरह आटा गूंथते हैं, तो वो भी दिखा देते हैं। अब हम गेहूं का आटा लेंगे, जितना भी आपको बनाना है डाल देंगे। अब देखिए ये वाला अगर पराठा बना रहे हैं आटे के साथ, स्टफिंग करके नहीं बना रहे हैं, आटे के साथ गूंथ कर बना रहे हैं, तब यहाँ पर आप नमक डाल देंगे पहले। अब इसमें क्या करना, पानी एकदम नहीं देना है आपको, इसी तरह आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे और जब बनाएंगे देखिएगा आटा बिना आपको पानी के ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो पानी नहीं डालना है आपको, याद रखना है बस यही कि इसमें पानी नहीं डालना रहता है, बिना पानी के ही ये अच्छे से पराठा हमारा बन जाएगा। जब आप कद्दूकस करेंगे उसका पानी जरूर निकालिएगा, बिना पानी निकाले आप ना स्टफिंग वाला बनाइएगा और ना ही ये वाला बनाइएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इसमें निकलता है। तो ये देखिए बिना पानी का ही हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं जब बनाऊंगी तब इसे अच्छे से परफेक्ट गूंथ लेना है। तो अभी इसी तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना भी पानी छोड़ना रहेगा, क्योंकि नमक भी डाल रखे हैं हमने, तो अगर नमक डालने के बाद और पानी छोड़ता है तो जो भी छोड़ना होगा अभी छोड़ देगा, उसके बाद जब बनाने जाएंगे तो ये परफेक्ट बन जाता है और कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस अब इसे कुछ करना नहीं है, नॉर्मली जिस तरह पराठा बनाते हैं वो बना लेंगे। तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट आटा हमारा गूंथ गया बिना पानी का, और ये देखिए हल्का सा गीला भी हो भी जाता है, इसलिए पानी में मना कर रही थी कि पानी नहीं देना है। अब छोटी सी लोई लेंगे और उसे सूखे आटे में इस तरह डिप कर लेना है और इसे गोल बेल लेंगे। थोड़ा हल्का मोटा ही रखेंगे इसे,
तवा गर्म है, पराठे को डाल देंगे। तो ये एक तरफ हो चुका है तो इसे पलट लेंगे और इसमें अब तेल लगा देंगे। जिस तरह पराठा में तेल लगाते हैं उसी तरह तेल लगाएंगे। और ये मूली का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप एक बार जरूर इस तरह का ट्राई करें और चाहे आप स्टफिंग वाला भी बना सकते हैं। इसे कोई भी सब्जी के साथ जरूरत नहीं होती, आप इसे चटनी सॉस या अचार के साथ भी खा सकते हैं, इसे सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सब्जी है तो आप सब्जी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए पराठा बनके तैयार है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है ये देखिए इस तरह। और इसी तरह सारा बना लेंगे।